हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनोहर राजपुरोहित। ऑनलाइन स्टडी के साथ ऑनलाइन टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं विथ टाइमर, तो आज हम गूगल क्लासरूम में ऑनलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले अपनी गूगल आईडी से गूगल क्लासरूम ओपन करना है। गूगल क्लासरूम फोल्डर में आपको जिस क्लास का टेस्ट या एग्जाम कंडक्ट करना है उस क्लास को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लास सेलेक्ट किया। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लास वर्क पर क्लिक करना है और देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। क्रिएट, इसमें आपको क्लिक करना है असाइनमेंट। असाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर उस टेस्ट का नाम मेंशन करना है, जैसे कि मैंने डाल दिया क्लास टेस्ट। उसका कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन है आपके तो वो इंस्ट्रक्शन आप यहां पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ठीक है। देन क्लिक ऑन क्रिएट और जो लास्ट ऑप्शन है फॉर्म्स, एक्चुअली ये गूगल फॉर्म्स है, गूगल फॉर्म्स पर क्लिक करना है। तो यहां पर एक गूगल फॉर्म क्रिएट होगा और उसके लिए अलग से आपका टैब ओपन होगा। ये गूगल फॉर्म आपका क्रिएट होगा। क्रिएट होते ही यहां पर क्लास टेस्ट डालना है, वो क्लास टेस्ट का हेडिंग यहां पर आ जाएगा फर्स्ट डिस्क्रिप्शन पर। देन आपको डिस्क्रिप्शन में उसका सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। राइट साइड का ये जो आइकन है, देन आपको क्लिक करना है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, यानी जैसे ही क्लास टेस्ट स्टार्ट होगा सबसे पहले ये फॉर्म आपके स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस कलेक्ट करेगा। फिर आपको सेकंड ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है। यहां पर ये जो ऑप्शन है लिमिट टू वन रेस्पॉन्स, इसको टिक करना है ताकि आपका स्टूडेंट वन टाइम ही उसका रेस्पॉन्स कर सके। देन आपको क्लिक करना है क्विज पर एंड मेक दिस क्विज, इसको ऑन करना है। रिलीज ग्रेड में आपको इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, इस पर क्लिक करना है ताकि जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करे अपने फॉर्म को उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसके सामने रिलीज हो जाएगा। और इसको स्क्रॉल करके चेक कर लेना, इसके नीचे तीन ऑप्शंस हैं, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर एंड पॉइंट वैल्यू, ये तीनों टिक होना चाहिए। देन आपको इससे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में डालना है स्टूडेंट नेम और इसको यहां पर कर देना है शॉर्ट आंसर। अब स्टूडेंट अपना नेम यहां पर एंटर करेगा। उसके बाद आपको ऐसा कैसा एक और फॉर्म जनरेट करना है, तो यहां जो ये आइकन है डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप स्टूडेंट से इनिशियली एग्जाम स्टार्ट होने से पहले चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आप यहां पर डाल सकते हैं, वो क्वेश्चन आप यहां क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया लास्ट नेम, तो वो अपना लास्ट नेम यहां डालेगा। अगर आपको रोल नंबर चाहिए तो आप रोल नंबर ले सकते हैं उसका। ये क्रिएट होने के बाद फिर आपको यहां से क्लिक करना है ऐड सेक्शन पर, इस लाइन में यहां पर ऐड सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज यहां से स्टार्ट होगा। ऐड सेक्शन में आपको यहां पर डालना है पार्ट वन, आपके क्लास टेस्ट का या एग्जाम का ये पार्ट वन है। और फिर इसमें ऐड क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन ऐड करने, मैंने ऐड क्वेश्चन किया। अब आपको यहां पर अपना क्वेश्चन टाइप करना है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ऑफ इंडिया क्वेश्चन मार्क, उसके ऑप्शंस आपको यहां पर देने, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड मुंबई, थर्ड पुणे एंड फोर्थ जयपुर। ये ऑप्शंस डालने के बाद आपको ये कंफर्म करना है कि यहां पर मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको यहां से आपको मल्टीपल चॉइस चूज करना है। देन ये जो टैब है आंसर की, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके इसमें से जो राइट आंसर है उसको चूज करना है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ऑफ इंडिया राइट आंसर इज दिल्ली, इसको चूज किया, ये सेलेक्ट हो गया।
अब इसके पॉइंट आपको डिसाइड करने हैं कि ये आंसर के, ये क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, वो मार्क्स आपने यहां से डिसाइड कर लिए। फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स हैं इसके, और फिर इसको कर देना है डन। ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया है, डेली के सामने टिक आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट को ये टिक शो नहीं होगा। इसके साथ में अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से ऐड इमेज पर जाकर इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो ऐड कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट या टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो टाइटल ऐड कर सकते हैं। क्लियर। फिर ये जो बटन है यहां पर रिक्वायर्ड, इसको ऑन करना है, और इसके ऊपर भी आपने जो डाला है उसमें भी जो बटन है रिक्वायर्ड के, उन सबको ऑन कर देना है, वो इसको फिल किए बिना आगे नहीं जा सकता। तो ये आपने ऑन कर लिया। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन डालना है आपको, तो आप इसको यहां से डुप्लीकेट करेंगे, क्वेश्चन चेंज कर देंगे, आप क्वेश्चन का नंबर भी डाल सकते हैं इसके आगे। फॉर एग्जांपल ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, ऑप्शंस यू कैन चेंज जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर एंड जयपुर, ये आपने कर लिया। अब इसका जो राइट आंसर है, आंसर की पर क्लिक कीजिए, राइट आंसर को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है, इसको अनमार्क कर लीजिए एंड देन डन। ये आपका डन हो गया, और ये भी आपको याद रखना है इसको ऑन करना है रिक्वायर्ड को। ये आपका क्वेश्चन पेपर, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन डाले, आप इसमें और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ये आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जो रेस्पॉन्स है, उस रेस्पॉन्स पर ये जो आइकन है क्रिएट स्प्रेडशीट यानी एक्सेल सीट, यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया और क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट इसको क्लिक करना है, तो एक टैब, अदर टैब में आपका सीट क्रिएट होगा, जिसमें टाइम, ईमेल एड्रेस, स्कोर, स्टूडेंट नेम, लास्ट नेम और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे यहां पर आ जाएंगे। उन सारी डिटेल्स आपके पास ऑटोमेटिक यहां पर जनरेट होगी, आपको कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर से वापस गूगल फॉर्म्स पर जाना है, क्वेश्चंस पर चले गए, ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब जितना भी आपको इसमें ऐड करना है वो सारा ऐड करने के बाद अब आपको इसमें टाइमर सेट करना है कि आपका स्टूडेंट कितने टाइम में इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे, और अटेम्प्ट करने के बाद वो इनको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सके, और एक बार सबमिट होने के बाद वो किसी दूसरे के साथ इसको शेयर भी नहीं कर सके। तो इसके लिए आपको यहां से इस मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर क्लिक करना है एडऑन्स पर। एडऑन पर क्लिक करने के बाद यहां पर इस टाइप का एक पेज ओपन होगा, यहां पर आपको सर्च करना है फॉर्म प्रेजेंटर, ये सर्च करना है आपको फॉर्म प्रेजेंटर, इसको क्लिक करना है। ये अलग से एक एक्सटेंशन है फॉर्म प्रेजेंटर, जो कि टाइम लिमिट डिसाइड करता है, इसको यहां से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब ये करेगा तो आपसे परमिशन लेगा कि किस मेल आईडी के साथ इसको अटैच करना है, तो जो आपकी मेल आईडी है उस पर क्लिक करना है, और फिर ये आपसे परमिशन लेगा अलाउ की, इसको स्क्रॉल करना है नीचे, इसको अलाउ करना है। ये आपका फॉर्म प्रेजेंटर अटैच हो चुका है, इसके साथ एड ऑन हो चुका है, इसको डन कर देना है यहां से, और फिर इसको यहां से क्रॉस कर देना है, टैब को क्रॉस नहीं करना है, इसको फॉर्म प्रेजेंटर को क्रॉस कर देना है। अभी आपका इसके साथ ऐड हो गया, ये कैसे पता चलेगा, यहां अलग से आपके पास आइकन आ गया जो पहले नहीं था, एडऑन्स, इस पर क्लिक करोगे आपके पास आएगा फॉर्म प्रेजेंटर, इस पर क्लिक करोगे आपके पास आएगा सेटअप एंड हेल्प। अगर आपके पास सेटअप का आइकन नहीं आ रहा है तो इसको यहां से क्रॉस करके इसको रिफ्रेश करना है, इस पेज को बार बार, जब तक रिफ्रेश करना है जब तक ये सेटअप का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे ही सेटअप का ऑप्शन आता है उस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहां पर फॉर्म प्रेजेंटर ओपन होगा, उस फॉर्म प्रेजेंटर पर आप अपना यहां पर टाइटल डाल सकते हैं, जो भी आपका टाइटल है, अगर टाइटल नहीं है, बैकग्राउंड, थीम, कलर, ये सारा कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस थीम में, किस कलर में आपको वो दिखना चाहिए। फिर टाइम यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनेबल फॉर्म ऑलवेज, किसी भी टाइम में आपका ये फॉर्म अवेलेबल हो तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास फिक्स डेट है
कि मेरा ये फॉर्म एक पर्टिकुलर डेट को या किसी डे को ही इनेबल होना चाहिए, बाकी स्टूडेंट इसको अदर डेज को एक्सेस नहीं कर सके, तो इसको आप स्पेसिफिक टाइम पर क्लिक करना है। वी आर इन एशिया टाइम जोन, यहां से डेट आपको डिसाइड करना है कि किस डेट तक ये आपका फॉर्म इनेबल होना चाहिए। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया ये आज की डेट है। डेट का फॉर्मेट आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये फॉर्मेट थोड़ा इसमें मंथ पहले आएगा, डे बाद में आएगा। उसके बाद आप यहां से टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इस टाइम के बीच में मेरे को ये फॉर्म चाहिए, मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 6 PM तक। ओके, यहां पर मैं डाल देता हूं 9 PM। ये जो आप डेट यहां पर शेड्यूल डिसाइड कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम, ये कंप्लीट टाइम एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। ये टाइम इसलिए है ताकि ये फॉर्म इस टाइम ड्यूरेशन में विजिबल होगा। अगर वो 9 बजे के बाद स्टूडेंट इसको देखता है या लिंक ओपन करता है तो उसको ये फॉर्म विजिबल नहीं होगा, बट इसके बीच में सारे स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर स्टूडेंट को कितना टाइम देना है इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, वो टाइम आप यहां पर सेट करेंगे सेट टाइमर में। अगर ये आपका ऑफ है इसको ऑन कर देना है और यहां से आपको टाइम डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्वेश्चंस डाले तो आपको यहां से टाइम डिसाइड करना है 30 मिनट 40 मिनट। आप यहां से टाइम इंक्रीज कर सकते हैं जितना भी आपको टाइम चाहिए। मैंने डाल दिया 50 मिनट। अब ये 50 मिनट का टाइम आपके स्टूडेंट को मिलेगा और जैसे ही 50 मिनट कंप्लीट होंगे ये फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और ये जो 50 मिनट का टाइम हमने डिसाइड किया है, ये 50 मिनट का टाइम उस गूगल फॉर्म के टॉप राइट कॉर्नर पर विजिबल होगा और उसके सेकेंड्स भी वहां पर विजिबल होंगे, कितना टाइम बच गया है, कितना टाइम चल रहा है। उसके बाद यहां पर अलाउ ब्रेक्स हैं, यानी आप चाहते हो कि आपका स्टूडेंट बीच में ब्रेक ले सके तो इसको क्लिक करना है। और यहां से नंबर ऑफ ब्रेक भी आप डिसाइड कर सकते हो कि वो एक बार ब्रेक ले बीच में या दो बार ब्रेक ले। अगर आप नहीं चाहते उसे ब्रेक देना तो इसे यहां से टिक नहीं करना है। और फिर इसको टिक करना है अलर्ट बिफोर 1 मिनट, टाइम अप होने से 1 मिनट पहले स्टूडेंट को नोटिफिकेशन जाएगा, उसको मैसेज जाएगा योर फॉर्म इज क्लोजिंग सून, सबमिट बिफोर टाइम आउट। तो इस मैसेज को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको यहां पर क्लिक करके आप जो भी अपना मैसेज डालना चाहें वो मैसेज आप यहां पर डाल सकते हैं। वो 1 मिनट पहले स्टूडेंट के पास चला जाएगा, तुम्हारा टाइम कंप्लीट होने वाला है, इसको जल्दी से फिनिश करो। इसके बाद ये सारा करने के बाद आपको यहां से इसको पब्लिश करना है। जैसे ही आप इसको यहां से पब्लिश करोगे, यहां पर इस टाइप के ये आइकन्स आएंगे पब्लिश फॉर्म के जस्ट नीचे। ये आइकन है व्यू पब्लिश फॉर्म, यानी आपने जो पब्लिश किया है वो कैसा दिखेगा उस पर क्लिक करना है, तो आपको ये बताएगा कि आपका फॉर्म कैसा विजिबल होगा। उसके लिए आपको यहां पर साइन इन करना पड़ेगा। पहले गूगल की आपकी जो मेल आईडी है वो डालोगे तो आपको वो फॉर्म विजिबल होगा। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, इस मेल आईडी से मुझे साइन इन करना है, ये मेल आईडी से मेरा यहां पर साइन इन हो गया। इस तरीके से आएगा प्रेजेंटिंग फॉर्म क्लास टेस्ट, टोटल टाइम 50 मिनट्स, यानी एक स्टूडेंट को 50 मिनट मिलेगा। जो टाइम ड्यूरेशन आपने स्पेसिफिक टाइम डाला है उसमें कभी भी वो एक्सेस करे उसको ओनली 50 मिनट मिलेगा, वो भी वन टाइम। तो दूसरी बार जाएगा उसको एडिट करने का चांस नहीं मिलेगा। इसको यहां से करना है स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं कि स्टूडेंट के सामने कैसा फॉर्म होगा। यहां से ये टाइम देख रहे हो और यहां पर ये टाइम स्टार्ट हो गया है 50 मिनट। उसको पहले ये फॉर्म्स में जो ये डिटेल्स फिल करनी है, स्टूडेंट नेम एंड लास्ट नेम, मैं फिल करता हूं इसको। लास्ट नेम ये फिल करने के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक करेगा और फिर उसके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, क्लास टेस्ट आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट करेगा, जैसे कि कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर। जितने भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट इस फॉर्म को सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद स्टूडेंट कैन सी स्कोर, तो उसने जो दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए वो राइट है, इसलिए टोटल पॉइंट्स 4 out of 4। जिस स्टूडेंट ने सबमिट किया उसका मेल आईडी यहां पर आएगा, उसका नेम, उसका लास्ट नेम। अब वो उसको एडिट नहीं कर सकता, अब मैं इसको चाहूं तो भी एडिट नहीं कर सकता हूं। फिर उसने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए वो क्वेश्चन के आंसर यहां पर आएंगे,
और अगर उसका कोई आंसर रॉन्ग होगा तो अलग से नीचे आएगा कि कौन सा आंसर राइट है। ये इस तरह से सबमिट होगा और अब आपके पास ये जो रेस्पॉन्स आएगा वो इस फॉर्मेट में भी आएगा और आपने जो एक्सेल सीट अभी जनरेट की थी उसमें भी देखिए ऑटोमेटिक आ गया है। टाइम, डेट, स्टूडेंट आईडी, उसका मार्क्स, नेम, लास्ट नेम, उसके जो आंसर्स हैं वो और उसका ट्रैकिंग आईडी, ये सीट ऑटोमेटिक आपकी जनरेट हो जाएगी, यानी आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। आपको इसके लिए अलग से एफर्ट करना नहीं है। फिर आप इसको यहां से फाइल पर क्लिक करो, देन डाउनलोड, और इसको जिस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है, एक्सेल फॉर्मेट में, ओपन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में, एचटीएमएल के फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब स्टूडेंट को ये जो फॉर्म आपने जनरेट किया है ये कैसे सेंड करना है, इसको यहां से क्रॉस और इस टैब को भी क्लोज कर देना है। आपका फॉर्म यहां पर हो गया है, यहां पर आपका टाइटल और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको डालना है डाल के इसको साइन कर देना है। अभी आपका यहाँ पर विजिबल है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।